बंधुगण दीर्घ 500 वर्ष पर राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा महासंजोग पड़ुअछि। चुपचाप एही तीनोटी जगार रखि दिंतु लुण, आपणकर भाग्य चमक उठ। बंधुगण 30 अगस्त 2023 एही दिन पड़ुअछि श्री श्री बलदेवजीवर जन्म उत्सव एवं एही दिन रक्षाबंधन पावन पर्व पड़ुअछि। यार पर दिन अर्थात 31 अगस्त को पवित्र श्रावण पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमार पावन दिन रहिबा। पूर्णिमा दिन रक्षाबंधन पर्व नाही, आपण रक्षाबंधन पर्व को 30 अगस्त दिन ही पालन करिबे, अर्थात 30 अगस्त बुधवार दिन पालन करिबे एवं गुरुवार दिन श्रावण पूर्णिमा रहिबा। देखंतु राखी पूर्णिमार दिनटी को रक्षाबंधन दिनटी को आमर हिंदू धर्म बहुत ही पवित्र विचार करा जाई थाई। एही दिनटी समस्त पृथ्वी रे पवित्रता एवं स्नेहर दिन बोली मान्यता रही अछि। पुराण रे गम्हा पूर्णिमा को बहुत ही शुभ दिन माना जाई थाई। एहा सहित राखी पूर्णिमा दिन जदि आपण किछि विशेष उपाय करि देबे त आपणकर दुख कष्ट समस्या सब दिन पई दूर होइजिबो। एही दिन अत्यंत पवित्र दिन होइथाय। एही दिन आपण जहा भी उपाय करिवे ताहार निश्चिंत ही फल प्राप्ति होइथाय। एही दिन रे करा जाइथिबा उपाय एबे भी व्यर्थ जाइ नथाय। एथिपाई एही दिन आपण करंतु लुणर एही चमत्कार उपाय। भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपण को प्राप्ति हेब। आपणकर जीवन रे धन जनित कौनसी समस्या रहिबो नाही एवं आपणकर भाग्य चमकी उठिबो। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताह पर्वरे ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल रा आइकन को मध्य प्रेस करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधुगण सामान्य लुण आमको किपरि धनवान बनै थाय। लुण पैसा को चुंबक परि टाणी थाय। जदि आपण यहार पछर सत्यता जानिबे तो आपण भी होइजिबे जल्दी धनवान। प्रथमे आपणको एही कथार भरोसा करिबा बहुत जरूरी अटे, काहेकि ना भरोसा उपरे ही दुनिया चली थाए। पुराणा समयरु लुणर व्यवहार करा जाय आसुअछि। लुण ना केवल आमर भोजन को स्वादिष्ट बनै थाए बरम एहा आमको बहुत किछि फायदा मध्य देइ थाए। जदि मनुष्य मध्यरे लुणर कमी होइ जाए तो सही शरीर केबे भी खराब होइ पारे। माना जाय थाए कि लुण सबुठ जल्दी धनवान कराइ देइ थाए। लुण चमत्कारी भाबे मनुष्य को लाभ प्रदान करि थाए। लुण भितरे सकारात्मक ऊर्जार भंडार भरी हो रही थाए। लुण को नहीं किसी एमती उपाय प्रचलित अच्छे। जदि कौन भी मनुष्य यही उपाय को करनीए तो से ही मनुष्य निश्चिंत निजर गरीब को दूर करिपार से बहुत शीघ्र ही धनी हो पारे। लुणर यह उपाय राताराति आपणकर भाग्य चमकई थाए। तेब आसतु जाणवा लुणर किसी खास उपाय विषय। बंधुगण कौन भी दिन से सोमवार दिन हो किंबा रविवार दिन आपण यह उपाय सब परिस्थिति रे करि पारिबे। एही उपाय आपणकर सब इच्छा को पूरा करिबो। मनरे कोनोसी भी इच्छा थाउ एहा ताहा को निश्चित रूप से पूरण करिथाय। एते शक्ति रही थाए कि एही उपाय रे कि आपण विश्वास मध्य करि पारिबे नाही। तेबे आसंतु जानिबा 100 ग्राम मुग डाली, 50 ग्राम चाउल, 50 ग्राम नाली लंका, गोटे पैकेट लुण, 100 ग्राम सोरिष तेल एवं गोटे पानी बोतल यह समस्त सामग्री को एकत्रित कर दिंतु। यहाँ आपण नहीं कौन भी महिला किंवा पुरुष को दान दे दिंतु एवं चुपचाप आपणकर घर को चली आसतु एवं देखु चमत्कार किपर होद्वारा आपणकर भाग्य उदय हो चाकरी व्यापार में उन्नति हो माँ लक्ष्मी आपणकर गृह को टाणी हो आसबे। आपणकर घर पर खुशी आसीज भगवान शनि आपण कृपादृष्टि वर्षा करे। आपणकर बृहस्पति मजबूत होइजिब। आपणकर शुक्र ग्रह भी मजबूत होइजिब। बंधुगण एही उपाय एते सारा लाभ प्रदान करिथाय कि जहार आपण कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। आपण केते भी गरीबे होइ जांतु ना काहेकि मात्र एही उपाय को करिबा द्वारा सब समस्या दूर होइ जाय। एही उपाय केबे भी काहाकु न कहिकि करंतु, चुपचाप आपण करंतु। जेउ सामग्री आमे आपणको बतेय अछु एथिमधुर कौनसी भी गोटे सामग्री मिस न होबा दरकार। समस्त सामग्री पूरा होबा दरकार। यहाद्वारा आपणकर केबे भी अमंगल हेबो नाही। आपण जेकोनसी कामरे हाथ देबे ताहा सफल होइजिबो।
करजर भी मुक्ति मिलजिव। यह उपाय मु अवश्य करी आपण भी थे निश्चिंत यह उपाय को कर देखु यह शत प्रतिशत काम करें। बंधुगण विदेशी लोक हाथर लुण पड़ा को अशुभ मानि था। ज्योतिष शास्त्र अनुसार लुण को चंद्र एवं शुक्र ग्रहर प्रतिनिधि माना जाए था। लुण को जदि आपण कौन भी स्टील किंवा लुहार पात्र रखुंट तो यह चंद्र एवं शनि मिलन हो बहुत घातक सिद्ध होता है। एभरिक आपण कांगाला हो पारती रोग एवं शोकर कारण बनी जापे। लुण को कौन भी प्लास्टिक पात्र भी भूल कर भी रखु ना। लुण को सर्वदा काचर पात्र रखा उचित। यह बहुत शुभ माना जाए जेब कौन व्यक्ति लुण को लुहार पात्र रखे कि प्लास्टिक पात्र रखी थाए तो गरीबी सामना करने को पड़ता है। चंद्र एवं शनि क्रोधित हो जाती। बंधुगण जदि खाद्य लुणर परिमाण कम हो जाए तेरे परिस्थित आपण अल्प लुण नहींकर खाद्य पकई था बाकी फोपाड़ी था बहुत अशुभ माना जाए। लुणर तले पड़ा बिलकुल भूल माना जाए। अनेक देश दुर्भाग्यर सूचक माना जाए। भारत में यार तले पड़ा को बहुत ही अशुभ माना जाए। लुण को तले पकाइबा द्वारा चंद्रमा एवं शुक्र दुईट ग्रह कमजोर हो जाती जहाद्वारा देवी लक्ष्मी घर चली जाती आपण को गरीबी सामना करने को पड़ता है। बंधुगण उधार राणी एवं कहार लुण खाइबा अनुचित होता है। लुण को सर्वदा धन देकर किणिकी आरकार यहाद्वारा आपण चंद्र एवं शनि मजबूत होती। आपण भूल भी कहार लुण खाई भूल जाती तेब भी आपण को शनिदेवर कोपर सामना करने को पड़पा। बंधुगण शास्त्र अनुसार माना जाए था कि संध्या समय के काठार लुण न नेवा उचित एवं न देवा भी उचित। जेबे आपण आपणकर लुण को संध्या समय रे अन्य काहा को दे दिंती तो आपणकर घरर सुख समृद्धि चली जाए था। सहित लुण ने व्यक्ति भी बर्बाद हो जाए। एथिपाई संध्या समय रे लुण काहाठार भी नेबा किमा देवा उचित हो न थाए। बंधुगण लुण मिश्रित पानी रे पोछा लगाइबा द्वारा घरे जेते भी नकारात्मक ऊर्जा रही थाए ताहा दूर हो जाए थाए। सप्ताह दुई रु तीन थर पानी रे लुण पकई घर पोछंतु किंतु ध्यान रखिबे लुण मिश्रित पानी रे दीप्रहर समय रे घरे पोछा लगांतु नाही। दीप्रहर रे जेबे कोनोसी व्यक्ति घर को सफा सुथरा करिथाय तेबे सही घरे माँ लक्ष्मी नाही अलक्ष्मीकर वास होइथाय। माँ लक्ष्मी सही घरे रही थांती जेउ घरर सफा सुथरा सकाळ समय रे होइथाय। शास्त्र अनुसार माना जाय थाय कि सूर्योदय हेबा पूर्वरु घरर कबाट खोलि देबा उचित नहले लक्ष्मी आपणकर गृह को प्रवेश करें एवं माँ लक्ष्मी से ही घर को चली जिबे जहार कबाट सूर्योदय पूर्व खोलुव कहीं सूर्योदय पूर्व जदि कहार कबाट बंद रुहे तेबे माँ लक्ष्मी आपणकर घरे माँ लक्ष्मी कहीं भी प्रवेश करिबे। आपण तो माँ को आसीबार मार्ग को बंद कर देपाई सका सका कबाट अवश्य खोली दिंतु एवं सफा सुथरा कर दिंतु। बंधुगण तंत्रमंत्र खराब शक्ति नजर दोष मात्र यही उपाय को करिबा द्वारा दुई मिनट रे सब ठीक हो परंतु लुणर यही खास उपाय अल्प लुण नियंतु अल्प अटा नियंतु अल्प नाली लका नियंतु गोटे खंड कोईला नियंतु एवं अल्प हलदी नियंतु। यह सब जिनस को एकाठी करी गोटे कागज रे बांधि दियंतु जहाँ को नजर लग जाए मुंड उपरे सात थर घुरांतु एवं चुपचाप यह अग्नि जल्द दिंतु। आपण विश्वास करें एक मिनिट रे सब नजर दोष दूर हो शत प्रतिशत सत्य अटे। यह बहुत पुरातन कालरु लोक माने करि आसुचंती। यहाद्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय कहीं नजर द्वारा पथर भी भांगी जाइथाय। आपण तो मामूली मनुष्य अटंती। यह उपाय खराब शक्ति को बहुत दूर रखिथाय। जेबे आपणकर उपरे नजर ही न रहिबा तेबे आपण उन्नति आड़ को अग्रसर हेबे कहीं नजर लगवा द्वारा आम किसी मत करपाई नजर उतारिबा भी बहुत जरूरी अटे। बंधुगण शोवा समय तकिया तले लुण रखिकर शोवा द्वारा जिते भी आपणकर मधे नकारात्मक शक्ति थी ताहा दूर हो जेबे आपण तकिया तले लुण रखुंट तेबे कला कपड़े बांधिकर ही रखु। बंधुगण चाहे लुण न पकाइबा उचित बहुत अशुभ माना जाए।
ଚାହାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କେତେ ଘାତକ ରୋଗର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ କମଜୋର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଚାହାରେ ଭୁଲରେ ବି ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖାସ କରି ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣର ଦାନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଏମାନଙ୍କ ରୂପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣର ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୁଲରେ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ରକ୍ତ ଶୁଖିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ମଧୁମେହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ କମଜୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଣକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।